गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आप सबके लिए बीम की ओपनिंग्स लेके आया हूँ, बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं, लगभग हर लोकेशन का है, पुणे का है, मुंबई का है और कई जगहों का है। साथ ही साथ आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप बीम में अपना करियर सच में बनाना चाहते हैं तो आपको एक नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो न्यू बीएम बैच स्टार्ट हो रही है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, हमारे टीम के सदस्यों का नंबर भी नीचे दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके वहां पर हम लोग सैटरडे संडे वेबिनार करके भी आपको बता देंगे क्या कैसे सीखने वाले हैं। चलिए बीम की जो ओपनिंग्स है उनका लुफ्त उठाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स है, क्या क्या यहाँ पूछा जाएगा। अपने ट्रेनिंग का सबसे बड़ा मॉड्यूल यही है कि जो पूछा जाएगा हम लोग ट्रेनिंग में वही चीजें सीखते हैं। तो वो सारी चीज चलिए देखते हैं क्या क्या पूछने वाले हैं, और उसके बेस पर जो भी ट्रेनिंग करना चाहे बीम की वो करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग नीचे नीचे कमेंट करके बताएंगे आपका करंट जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, आप अभी करंट में किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, अगर मैसेज कर यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हमारे लिए आसान होगा उसके बेसिस पर आपके लिए आगे की ओपनिंग्स लाने के लिए। तो प्लीज डू कमेंट कि आप कौन सी प्रोफाइल में, आप साइट इंजीनियर हो, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, आप बीम मॉड्यूलर हो, आप बीम कोऑर्डिनेटर हो, किस प्रोफाइल में हो, प्लीज डू कमेंट सो दैट कि हम लोग उसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस ला सके। चलिए शुरू करते हैं और देखिए नंबर ओपनिंग्स कहाँ कहाँ पर है भाई, चलिए फटाफट। गैस फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ विशेष ओपनिंग्स। चलिए देखते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एक ओपनिंग से गैस बी मॉड्यूलर के लिए, उन सभी के लिए जो लोग गुरुग्राम में है, इनटेक इंफ्रा, आप सबने नाम सुना हो, काफी रेपुटेड कंपनी है। इनके यहाँ पर ओपनिंग्स है गुड़गांव में। ठीक है, इनको नॉर्मल ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज चाहिए, रेविट का अच्छा नॉलेज चाहिए, एलओडीज के बारे में पता होना चाहिए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डायरेक्ट एचआर का मेल आईडी आपके पास दिया है, अगर आप समझदारी से अप्लाई करेंगे, समझदारी इन द सेंस कवर लेटर, रिज्यूम और पोर्टफोलियो के साथ, प्लस इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अपने रिज्यूम में अपने हिसाब से एडिट करके भेजेंगे, बिग चांस कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी। और उसके बाद वहां जाके आप अपने टैलेंट को जितना दिखा सकते हैं दिखाइए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बीम आर्किटेक्ट के लिए। किसके लिए? बीम आर्किटेक्ट ने पुणे वाले लोगों के लिए जो पुणे में सर्च कर रहे थे जॉब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है, बट अगर आपने डिग्री भी किया तो मैं बोलूंगा अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि ऑटो कैड है, रेविट है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ये लगभग सारे सॉफ्टवेयर फोटोशॉप के अलावा हम लोग गुरुकुल में सीखते ही हैं। ठीक है, और यूनिक्स सिविल ऐप में भी हमने ऑलरेडी सिखा रखा है आपको, तो आप अप्लाई कर दीजिए। इनके यहाँ पर देखिए, इनके यहाँ पर इन्होंने कितना ऑफर किया हुआ है, सैलरी 30,000 से स्टार्ट किया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है 5 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं आने वाले, तो इसलिए चांसेस रहता है कि भले ही उन्होंने एक्सपीरियंस ज्यादा लिखा हुआ है, बट जिसको अगर ये काम पूरा आ रहा है दे आर गोइंग टू हायर देम, क्योंकि उनका पैसा बचेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है एन सर्किल टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कि बीम मॉड्यूलर के लिए है। बीम मॉड्यूलर का मतलब ही होता है फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो आप भले यहाँ पर जस्ट देख लीजिए, ऑटोकैड चाहिए, को रेविट चाहिए, थोड़ा बहुत वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए और अच्छा नॉलेज होना चाहिए बीआईएम का। अगर है तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप इन चारों प्लेटफॉर्म से करिए, और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा लिंक्डइन पर जाके करिए, लिंक्डइन के अलावा नौकरी पर जाके करिए, प्लस लिंक्डइन पर देखिए कि कौन कौन इस कंपनी में काम कर रहा है, जस्ट टॉक विद देम कि सर हमारा रिज्यूम फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर आपको सही लगता है, मैं कैंडिडेट रिलीवेंट लगता हूँ तो। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है निनसॉफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बीम के अंदर, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए इनको, मतलब बिल्डर चाहिए, थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले लोग रहेंगे तो उनका ज्यादा सिलेक्शन होगा, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोफाइल इसको नहीं बोला जा सकता है। तो आपका मन है ऐसा काम करने के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, जो प्रोजेक्ट वगैरह ला सके मार्केट से इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस बीम मॉड्यूलर के लिए है आरटीडीएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, मुंबई की है। ठीक है, और काफी रेपुटेटेड कंपनी है। अगर आपको माइक्रो स्टेशन आ रहा है, सिविल 3D आ रहा है, ओपन रोड्स आ रहा है, सिंक्रो आ रहा है, बीम 360 आ रहा है, या फिर इसमें से दो तीन भी आ रहे हैं तो आप इनको अप्लाई कर दीजिए, और अगर रिस्पॉन्स आता है तो आप जाके इंटरव्यू देके एक्सपीरियंस लेके आइए। गैस हम सब लोग जॉब तो सोचते हैं कि हमको लग जाए, बट हम लोग उतना प्रयास से उतना मन लगा के अप्लाई नहीं करते। समझदारी यह है कि सब में अप्लाई करो, जिससे रिस्पॉन्स आए फिर उसके हिसाब से डिसाइड करो। बी मॉड्यूलर के लिए चाहिए गैस इनको ओपनिंग्स है, तो बी मॉड्यूलर के लिए जो ओपनिंग्स होती है उसमें आपको पता है कि लगभग वही चीजें पूछते हैं, ऑटो कैड, सिविल 3D, इंफ्रा वर्क्स, नेविस्वर, PM360 एंड प्रोजेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो अपनी न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही 15 फरवरी से, कैसे उसमें मैंने प्लान किया हुआ है कि हम माइक्रो स्टेशन भी ऐड करेंगे, काफी कंपनियों में माइक्रो स्टेशन भी पूछ रहे हैं। सिविल 3D के बारे में भी सोच रहा हूँ, देखते हैं, अभी सिविल 3D का कंफर्म नहीं किया हूँ, कोशिश करूंगा वो भी ऐड करूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है, क्योंकि हमारा जो हम लोग गुरुकुल का मतलब ये गाइस ये है कि जो कंपनी को चाहिए उसके लिए हम लोग रेडी हो जाए। ठीक
ठीक है। बी मॉडलर की प्रोफाइल है गाइस, आरजेडी बैंगलोर के लिए है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, अगर आप चाहे तो इनके अप्लाई कर दीजिए। बी मॉडलर का मतलब होता है फ्रेशर्स पर्सन, देखिए इनको माइक्रो स्टेशन चाहिए, रेविट ऑलरेडी हम देते ही हैं, बीम का पूरा कॉन्सेप्ट देते ही है, ऑटोकैड देते ही है, तो बस माइक्रो स्टेशन को क्यों छोड़ना, ठीक है। और कोशिश करता हूँ सिविल 3D भी कवर अप करा दूँ तो मस्त रहेगा। WSP के यहाँ पर ओपनिंग से बीम कोऑर्डिनेट के लिए वेस्ट एडवाइजरी, ठीक है, थोड़ी सी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोफाइल है, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा भी बीम में एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर दीजिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट जो गाइस ओपनिंग से हुआ है NCD इंटरनेशनल, NCD इंटरनेशनल में बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल हैदराबाद तेलंगाना की है, ठीक है, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, और जो चीज़ें इन्होंने मांगा हुआ है तो बहुत बेसिक है, ये तो हमारे यूनिक सिविल ऐप पर भी आपको सब मिल जाएगा, बाकी आप यूट्यूब से भी चाहे तो, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछा इन्होंने। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है प्रो स्किल्स करके कंपनी है, जो कि बीम MEP मॉड्यूलर, भी MEP का बहुत ज़्यादा काम मार्केट में निकल रहा है, तो अगर आपको चांस मिलता है तो मेरा सेशन रहेगा, जाइए उसमें भी सीख के आइए, डायरेक्ट मेल आईडी दिया है, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए इनके यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बीम इंजीनियर करके, US के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है, कई लोग बोलते हैं ना हैदराबाद ओपनिंग नहीं है, देखो भाई हैदराबाद में कितनी ओपनिंग्स है, ठीक है, अप्लाई करिए, क्रैक करिए इंटरव्यू, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है न्यू दिल्ली के लिए लाइव कनेक्शन करके, बीम मैनेजर के लिए चाहिए, बीम मैनेजर मतलब एक्सपीरियंस, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल, बट मेरा सजेशन है कि इनका मेल आईडी तो आपके पास ही है, तो टारगेट ये करिए कि इनको अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो भेज दीजिए, हो सकता है आज बीम मैनेजर की ओपनिंग है, कल इनके यहाँ बीम मॉड्यूलर की ओपनिंग खाली होती है, तो आपकी CV वहां पर रिलेवेंट के तौर पे बैठे रहेगी पहले से, तो चांस रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो क्या बोलते हैं यहाँ पर इग्निशियस इनसाइट्स करके कंपनी है, जिनको एसोसिएट चाहिए, बीम एसोसिएट, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल है, तो अगर हायर करते हैं तो जाइए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो परसिस्टेंस कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मतलब सर्विसेज करके कंपनी है, जिनके यहाँ पर खुद इन्होंने मेल आईडी दिया है, फटाफट अप्लाई करिए, इनके यहाँ काफी ओपनिंग्स निकलती है, ज्यादा मैं इस कंपनी के बारे में नहीं जानता हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट हाँ ये जरूर है कि LOD 400 तक 450 तक का काम कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत अच्छी ही होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस स्नैप बीम स्टूडियो करके कंपनी, जिनको बीम आर्किटेक्ट चाहिए नोएडा के अंदर, अब देखिए रिज्यूम उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट होगा जिनको ये चीजें आती होंगी, और साथ ही साथ आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिज्यूम में आपके ये कंटेंट है क्या, क्योंकि HR को तो दिखने का, HR भी मैच करेगी ना कि यार इनको चाहिए जो जो कंपनी को है कि नहीं, ठीक है, तो कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप कोशिश करिए ये सारी चीजें सीख के अपने रिज्यूम में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है BL हर्बर्ट इंटरनेशनल करके कंपनी है, हर्बर्ट सॉरी हर्बर्ट कंपनी कंपनी है, बीम मॉड्यूलर के लिए चाहिए, बट इनको मैकेनिकल चाहिए, इसका मतलब इनका प्लम्बिंग वगैरह का काम होगा, इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल मांगा हुआ है, देखिए तो MEP में काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल वालों को मांगते हैं, तो कुछ उससे रिलेटेड, बट जो पैकेज है बड़ा ही शानदार है, तो अप्लाई कर दीजिए, लेट्स सी। नेक्स्ट कंपनी है गाइस लखनऊ के लिए, लखनऊ वगैरह में बहुत कम बीम की कंपनियां हैं, फिर भी मैं सर्च करता रहता हूँ कहीं मिले तो आपके लिए लाऊं, तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन एसोसिएट करके कंपनी है, आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो सीनियर बीम मॉडलर के लिए वर्चुअल कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन, काफी पुरानी कंपनी हो चुकी है, अप्लाई कर दीजिए, और ये कंपनी है नासिक की, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा क्राउड भी नहीं है, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है नासिक में ही, इन्हीं के यहाँ पर प्लम्बिंग में इनका वर्क भी है, तो उसके लिए भी आप चाहे तो अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल इन्फॉर्मेटिक्स नागपुर प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बीम मॉड्यूलर के लिए इनको ओपनिंग चाहिए, ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आपको बीम मॉड्यूलर के तौर पर इनके यहाँ काम करना है, नागपुर वाले कर सकते हैं फटाफट, ठीक है भाई। इसके बाद एस्ट्रल के लिए ही एक बीम इंटर्न की भी प्रोफाइल चल रही है, जो अभी एकदम बेसिक जानते हैं वो लोग एज ए इंटर्न अप्लाई कर दीजिए, अगर थोड़ा भी ऑटोकैड रेविट आता है अप्लाई कर दीजिए, इंटर्न का ज्यादा कुछ दिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो इंटर्न बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है SPK विल्डवेल करके कंपनी है, जिनके यहाँ पर बी मार्केटिंग की प्रोफाइल है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद अच्छा लगे तो इस ओपनिंग्स को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, मुलाकात आपसे जल्दी करेंगे, जैसा आप बोलोगे जहाँ की ओपनिंग्स आपको चाहिए नीचे कमेंट करिए, फिर हम वहाँ की ओपनिंग्स आपके लिए लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।